नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज़। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। पेट्रोल और डीजल के दाम अब एक नई चीज को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल 17 जून 2017 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ है कि दो हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेट्रोल के दाम बदल चुके हैं, लेकिन भारत पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है 12 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $78.84 प्रति बैरल थी, जो अब $80 पर पहुंच गई है, लेकिन भारत में इसके भाव बेअसर हैं। पहली बार भारत में एक साथ दो रिकॉर्ड बने हैं। पहला, 16 अप्रैल 2018 को दिल्ली में पेट्रोल 55 महीने के हाई प्राइस 74.02 पर पहुंचा और डीजल अब तक के सबसे उच्च स्तर 65.18 रुपए पर पहुंच गया, जो अभी भी बना हुआ है। और दूसरा, 24 अप्रैल से रेट नहीं बदले हैं, यह भी एक रिकॉर्ड है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी 24 अप्रैल से कीमतें 75.82 और 67.05 पर स्थिर हैं। तेल पर वैसे तो सरकार का नियंत्रण नहीं है। जून 2010 में पेट्रोल और अक्टूबर 2014 में कीमतें बाजार के हवाले कर दी गईं। इसके बावजूद ये देखा गया कि चुनाव से पहले कीमतों में किसी न किसी तरह कटौती की जाती है या फिर दाम स्थिर रखे जाते हैं, भले ही तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़े। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच क्रूड महंगा होने पर सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और खूब रेवेन्यू जुटाया। 2016 से 2017 के दौरान एक्साइज ड्यूटी से 2.42 लाख करोड़ रुपए मिले, जो कि 2014 से 15 के 99,000 करोड़ की तुलना में दुगने से भी ज्यादा था। पिछले साल गुजरात चुनाव से पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों ने वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 15 दिन लगातार 1 से 3 पैसे की कटौती भी की थी। 14 दिसंबर 2017 को वोटिंग के बाद वहां तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पिछली बार भी जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई थी और चुनाव के बाद ही उनके दाम बढ़ा दिए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक चुनाव के बाद भी इनके दामों में वृद्धि होगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बीएचबीसी न्यूज़। नमस्कार।